नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर के प्रथम 5 दोहों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बिहारी रत्नाकर का पहला दोहा जो है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो इस एक दोहे पर मेरा एक पूरा का पूरा वर्ग है और उसमें मैंने बहुत सी बातें स्पष्ट की हैं और नई और मौलिक बात भी स्पष्ट की है। उसमें इतना ही कहना है कि मेरी भव बाधा हरो दोहे की जो नायिका है वह और कोई नहीं, नागरी नगर निवासिनी सुसंस्कृता सुसभ्या सुशिक्षिता राधा ही हैं और वह गौरवर्णा हैं, रूप गर्विता हैं, गुण समन्विता हैं, समर्पिता हैं, स्वकिया हैं, नवयौवना हैं और मुग्धा हैं। और इसके अतिरिक्त इस दोहे से संबंधित सारी बातें जो हैं पिछले वर्ग में स्पष्ट कर दी गई हैं। आइए दूसरे दोहे पर आते हैं। अपने अंग के जानी के, अपने अंग के जानी के, जौवन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की, बड़ो इजाफा कीन। तो यहाँ देखिए, दो शब्द हैं, नृपति और जौवन नृपति। और इसके पहले जो है प्रवीण विशेषण लगा हुआ है, प्रवीण नृपति एक अर्थ होगा इसका, और दूसरा अर्थ होगा प्रवीण यौवन नृपति, यह दूसरा अर्थ होगा। बिहारी राज दरबार से संबद्ध थे, स्वयं कुलीन भी थे, कुलीन मानसिकता और कुलीन प्रवृत्ति के भी थे। तो राज दरबार से संबंधित अनेक तथ्यों का उन्हें भरपूर ज्ञान था और काम शास्त्र के भी पारंगत विद्वान थे। तो इन दोनों ही राजनय, राजकर्म और काम शास्त्र दोनों ही विषयों का इस दोहे में भलीभांति समन्वय किया है उन्होंने और बड़े ही अच्छे ढंग से दो अर्थों की अभिव्यक्ति की है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि आईए रिचर्ड्स के शिष्य और सहकर्मी एम्पसन ने
एम्बिग्विटी ऑफ मीनिंग पर बहुत काम किया है और उन्होंने बताया है कि अगर किसी रचना पंक्ति कविता के कई कई अर्थ निकलते हैं तो यह उस कविता की विशेषता है, कोई दोष नहीं है। तो अर्थ की बहुलता को एम्पसन ने गुणों में गिना है, अवगुणों में नहीं गिना है। तो बिहारी में ये गुण हैं, बिहारी की रचनाओं में ये गुण हैं, ये विशेषताएं हैं, यह ध्यान में रखने की बात है। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि प्रवीण निरिपति क्या करता है। प्रवीण मतलब कुशल, निरिपति राजा। प्रवीण निरिपति क्या करता है? जो उसके अपने अंग के, अपने पक्ष के राजकर्मी होते, चाहे वे प्रधान हों, अमात्य हों, सेनापति हों, सैनिक हों, जो कोई भी हों, यदि वे सच्चे हृदय से निरिपति की सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं और निरिपति राजा के मान की वृद्धि करते हैं, राजा की मर्यादा की रक्षा करते हैं, तो प्रवीण राजा क्या करते हैं, कुशल राजा क्या करते हैं कि अपने पक्ष के शुभचिंतकों, अपने लिए जान देने वालों, अंगों को अपना जानते हैं, अपना समझते हैं, वे भी उनको अपना समझते हैं और क्या करते हैं कि इजाफा जो है अरबी का शब्द है और इसको तरक्की कह सकते हैं, प्रोन्नति कह सकते हैं और वृद्धि कह सकते हैं। तो वे क्या करते हैं कि ऐसे शुभचिंतकों को अपना समझ करके उनके पद में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनके वेतन आदि में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, उन्हें जागीर दे देते हैं, उन्हें भूमि दान कर देते हैं, देते हैं। तो इस तरह से कुशल राजा भी उनके मान मर्यादा की वृद्धि करते हैं और यह करते हैं। उसी तरह से जो नायक होता है, जौवन निरिपति नायक, किसी युवती का एकाधिकारी, यह समझना है जौवन निरिपति प्रेमी नायक। और जो किसी युवती, किसी स्त्री, किसी किशोरी, किसी बालिका के हृदय पर अपना एकाधिकार रखता है, तो यदि वह कुशल है तो उस नायिका को अपने पक्ष का, अपने अंग का जान करके उसके इन अंगों की, नयन मतलब नयन, नेत्र, चक्षु, आँख, इन अंगों की वृद्धि करता है, इन अंगों की रक्षा करता है, पोषण करता है, संवर्धन
करता है। तो यह दूसरा दोहा हुआ। और इसमें जो है नायक क्या करता है, नायिका जो है वह नवयौवना है, मुग्धा है, और उसके शरीर तथा मन में वृद्धि देखकर उसकी प्रशंसा मन ही मन करता है। यह ध्यान में रखना है। और तीसरा है अर तय टरतना बर परे, अर तय टरतना बर परे दई मारक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन। मैन जो है ये मदन का ही व्युत्पन्न रूप है, अपभ्रंश रूप है। मदन मतलब कामदेव, और ये है। और आर जो है यह हठ है, जिद है, यह ध्यान में रखना है। आर, आर मतलब हठ, जिद, और तय मतलब से, टड़त ना नहीं टलती है, बिल्कुल ही स्थिर मती है, चंचल मती नहीं है। और इसमें भी नायिका जो है नवयौवना है और मुग्धा है, यह ध्यान में रखना है। पहले दोहे में भी नायिका नवयौवना है, मुग्धा है, ये बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। दूसरे दोहे की भी नायिका जो है वह नवयौवना है और मुग्धा है, और इस तीसरे दोहे की नायिका भी जो है वह नवयौवना है और मुग्धा है। तो वह नायिका जो है नवयौवना है और मुग्धा है, वह जो है जिद्द के कारण, हठ के कारण क्या करती है कि अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से नायक के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार से टलती नहीं है, हटती नहीं है, कदम पीछे नहीं रखती है। और क्यों नहीं रखती है? बर मतलब बल, क्योंकि उसमें बल पड़ गया है। और किस चीज का बल पड़ गया है? उत्साह का बल पड़ गया है, उमंग का बल पड़ गया है, उसके उत्साह और उमंग की वृद्धि हो गई है। और मनु मानो, और मरक, मरक का अर्थ होता है बढ़ावा। मैन का अर्थ बताया कामदेव, मनु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो मदन ने उस नवयौवना मुग्धा नायिका को मरक दे दिया हो, बढ़ावा दे दिया हो, जिसके कारण उसके शरीर में, उसके मन में वृद्धि हो गई हो, बल आ गया हो, उसका उत्साह बढ़ गया हो, उसकी उमंग बढ़ गई हो, और इस कारण से वह नायक के प्रति अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से टलती नहीं है, अड़ी हुई है। और परिणाम क्या होता है? होरा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन, कि उसके ये जो अंग हैं, चित्त है,
हृदय है, चतुराई है, चतुरता है, चातुर्य है, और नयन है, नयन आँखें जो हैं आपस में प्रतियोगिता करके, प्रतिस्पर्धा करके जो हैं वे बढ़ चले हैं। तो यह है नवयौवना मुग्धा के शरीर मन में उत्साह उमंग की वृद्धि देखकर नायक जो है मन ही मन उसकी प्रशंसा करता है। प्रसंग यही है और कहता है कि यह नायिका जो है वो मानो मदन ने उसे बढ़ावा दे दिया हो, जिसके कारण काम वासना उसकी बढ़ गई हो, जिसके कारण उसके शरीर में मन में बल पड़ गया हो, उत्साह उसका द्विगुणित हो गया हो, उसकी उमंग जो है बहुगुणित हो गई हो, और इसके कारण वह क्या करती है कि नायक के प्रति अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार पर अड़ी हुई है, जिद किए हुई है, हट किए हुई है और टलती नहीं है, पीछे नहीं हटती है। और इस मानसिकता के कारण देखिए, जब किसी व्यक्ति में ऐसी मानसिकता होगी, वह प्रेम के रास्ते पर बढ़ रहा होगा, तो उसके शरीर में भी तदनुकूल प्रतिक्रिया होती है, और फलस्वरूप क्या होता है, उसके चित्त में, उसकी चतुराई में, उसके नयनों में क्या होती है, आपसी प्रतिस्पर्धा होती है और ये बढ़ते चलते हैं, अपने व्यवहार में बढ़ते चलते हैं, यह ध्यान में रखना है। और चौथा दोहा है, औरे ओप कनी नी कनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। तो कनी निकनु जो आँखों की पुतलियाँ हैं नायिका की, और यह भी नवयौवना मुग्धा नायिका है बिहारी, और ओप कनी निकनु गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। जैसा कि बताया, नायिका जो है नवयौवना है, मुग्धा है, और उसकी आँखों की पुतलियाँ जो हैं कनी निकनु, कनी जो है बड़ी नीक हैं, आँखों की पुतलियाँ जो हैं अत्यंत सुंदर हैं, जिसके कारण जो है वह और ही सुंदर हो गई है, उसकी सुंदरता ओप जो है और ही हो गई है, बहुत ही बढ़ गई है, और इस कारण वह जो है कई सौतों में भी अपने प्रिय की, अपने पति की सरताज गिनी जाती है, कई सौतों में भी वह सरताज बनी हुई है, श्रेष्ठ बनी हुई है, और सरताज के रूप में, श्रेष्ठ के रूप में गिनी जाती है गनी। और मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, और लज्जा के
झीने पट से आवरण से लज्जा के झिर्रीदार पर्दे से आवरण से झलकती हुई उसकी आँखों की पुतलियाँ जो हैं धनी मतलब पति के प्रेम की मणियाँ बन गई हैं। यह है अपनी आँखों की खूबसूरत पुतलियों के कारण उस नवजवना मुग्धा नायिका की सुंदरता कुछ और ही हो गई है, जिसके कारण जो है वह अपनी सौतों में सबसे श्रेष्ठ गिनी जाती है। और लज्जा के झीने आवरण से झलकती हुई अपनी पुतलियों के कारण उसका प्रेम आकर्षण बहुत बढ़ गया है और वह अपने पति के प्रेम की वो जो है पुतलियां मणियां बन गई हैं, आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। तो इस दोहे में क्या किया है कविवर बिहारी ने, नायिका की आँखों की पुतलियों की नक्षिक वर्णन के अंतर्गत पुतलियों की सुंदरता और उसके कारण जो है पूर्ण नायिका की सुंदरता में उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसका मान बढ़ जाता है और वह पति की या प्रिय की प्यारी गिनी जाती है, इसका वर्णन किया है। और अब देखिए सनी कज्जल चख झख लगन उपज्यो सुदिन सनेहू क्यों ना निरपति वय भोग वय लही सुदेशु सब देहू। इसमें देखिए राजा दो प्रकार के माने गए बिहारी के अनुसार। एक राजा वह है जिसका सार्वभौम शासन होता है, राज होता है, अपने पौरुष बल से अपने पराक्रम से वह जो है अनेक क्षेत्रों को जीतता है और उसका भोग करता है, एक राजा वह होता। और दूसरा राजा वह होता है जो किसी सुंदर युवती के हृदय पर अधिकार करता, किसी सुंदरी के हृदय को जीतता है और हृदय को जीतने के पश्चात वह नायक भी उस नायिका के शरीर रूपी साम्राज्य का राजा की भांति जो है उपभोग करता है। और क्यों ना करे, यह कहाँ है क्यों न निरपति वय भोग वय लही सुदेशु सब देहु। तो कुछ शब्दों के अर्थ जो है यहाँ ध्यान देने होंगे। यह शनि जो है शनि है और शनि ग्रह है और शनि ग्रह जो है वह काजल के समान काला दिखाई देता है। तो काजल जो है वह शनि की तरह है, काजल जो है वह शनि की तरह है। जो झख कहते हैं झश को, झश से ही झख बनाए और इस झख का अर्थ होता है मछली मीन। और एक मुहावरा भी है,
क्या कर रहे हो? तो झक मार रहा हूं। झक मारना मतलब मछली मारना, और बेकार का समय जो है बिताना, व्यतीत करना, इस अर्थ में भी यह आता है कि व्यर्थ में अपना समय बिता रहा हूँ। झक मारना, मूल अर्थ को लोग भूल गए हैं और मछली मारने को, और अब इसी अर्थ में इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो शनि मतलब शनि ग्रह जो काला होता है, और चख मतलब चक्षु, नेत्र, और झक मतलब बताया, झस झस मतलब मछली, और लगन। तो लगन श्लिष्ट शब्द है और इसके दो अर्थ होते हैं। लगन का एक अर्थ होता है लग्न, शुभ मुहूर्त, शुभ अवसर, लग्न। और दूसरा जो अर्थ होता है लगन का, वह होता है लगना, यानी मिलना, मिलन। सुदिन सुंदर मुहूर्त, शुभ अवसर, और स्नेहु स्नेह, यहाँ भी है स्नेह प्रेम, और स्नेह का जो यहाँ अर्थ है स्नेह रूपी बालक, निरिपति कई जगह शब्द आया हुआ है। राजा आप जानते हैं भोग वै भोग करे, और सुदेशु, सुदेशु में भी यहाँ देखिए श्रेष्ठ शब्द, सुंदर देश, सुंदर साम्राज्य, सुंदर राज्य, और नायिका के सभी अंग रूपी सुंदर राज्य। तो यह है लही मन प्राप्त करे, भोग व लही भोग प्राप्त करे, सभी अंगों सहित साम्राज्य को प्राप्त करके क्यों नहीं राजा की तरह जो है उसका वह भोग करे। तो नायक भी क्यों नहीं सभी अंगों सहित सुंदर शरीर रूपी साम्राज्य पा करके राजा की भांति जो है नायिका का नायक क्यों नहीं भोग करे। तो कैसी नायिका है? वो कजरारे नैनों वाली नायिका है, और जिसके कारण जो है उसकी खूबसूरती जो है वह बहुत बढ़ गई। तो क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल कि प्रसंग क्या है इसका, दोहे का, किसी सुअवसर पर नायिका के द्वारा काजल लगे नयनों से नायक को देखने के कारण नायक के हृदय में उस नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, और इस प्रेम के कारण जो है वह अपना हृदय जो है हार चुका है, और इसके सभी अंगों पर, हृदय पर नायिका ने अधिकार जमा लिया है, और नायक से मिलाने के लिए सखी जो है नायिका से नायक की दशा का वर्णन करती है। यह प्रसंग है बिहारी रत्नाकर का, यह पांचवा दोहा है, और इसको देखना है। शनि कज्जल चख झख लगन, उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरिपति वै भोग वै लही सुदेशु सब देहु। राजा दो प्रकार के होते हैं, और
एक राजा वह होता है जो पराक्रम से क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है, अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करता है और फिर उस विजित राज्य का सुख भोग करता है। और दूसरा राजा जो है वह संयोग से होता है और उस राजा के विषय में यह कहा जाता है कि उसका जन्म जो है राजयोग नक्षत्र में हुआ था, इस कारण से वह राजा बना। तो यहाँ जो है ऐसे ही राजा के विषय में है। और दूसरा राजा जैसा कि बताया वह होता है जिसको संयोग से किसी अनिंद्य सुंदरी का स्नेह प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है और वह जो है नायक उस नायिका के अनिंद्य सुंदरी नायिका के जिसके आँखें जो हैं मछली के समान हैं और मछली के समान उन आँखों में शनि नक्षत्र के काले रंग के समान काजल लगा हुआ है, ऐसी सुंदर नैनों वाले नायिका से आँखें चार होना, दिल लगना, वह किसी सुदिन से कम नहीं है, संयोग से कम नहीं है। जिस दिन उसका स्नेह जो है उपजता है, उत्पन्न होता है और तब वह नायक जो है क्यों नहीं संयोग से बने, राजयोग के नक्षत्र में बने राजा के समान जो है, जैसे वह अपनी राजसीमा का उपभोग करता है तो उसी तरह से वह नायक भी राजा के समान नायिका के सभी अंगों सहित शरीर रूपी राज्य पाकर, लही मतलब पाकर उसका उपभोग करे। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्लिष्ट कल्पना कर ली है और बालक आदि का जो श्लिष्ट अर्थ बताया है उससे रस में बाधा पहुंचती है, यह ध्यान में रखना है। इसलिए इस दोहे का मुख्य अर्थ यही है और इसमें दो प्रसंग होंगे, यह भी ध्यान में रखना। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक ही प्रसंग की चर्चा की है, इसमें दो प्रसंग होंगे। तो पहला प्रसंग यह है कि सखी जो है नायिका से नायक के हृदय में जो उस नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है
भले ही उसकी सुंदरता के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ हो नायक के हृदय में, तो सखी नायिका से कहती है कि तुमने तो अपने सौंदर्य से, अपनी सुंदरता से उसके हृदय पर अधिकार कर लिया है, उसके हृदय को राज की तरह जीत लिया है, तो फिर क्यों नहीं तुम उसका निरीपति के समान उसका उपभोग करो। तो यह कह कर के जो है सखी नायिका को नायक से मिलने के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। पहला है ये प्रसंग। और दूसरा प्रसंग है कि यदि दूती जो है नायक से यही बात कहे कि नायिका जो है इतनी सुंदर है और उसने सुअवसर पर तुम्हें लगन से देखा है, मन लगा कर के देखा है, और उसके हृदय में तुम्हारे प्रति या आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो तुम क्यों नहीं उसके सभी अंगों सहित शरीर रूपी सुदेश प्राप्त करके, राज्य प्राप्त करके, राजा के समान उसका उपभोग करो। तो यह है, यह स्थिति है, मैंने स्पष्ट कर दी है। दो प्रसंग होंगे और दोनों की तदनुरूप क्या होगी, व्याख्या होगी, दोनों के तदनुरूप ही उसी के अनुसार अर्थ होंगे। शनि है और यह शनि नक्षत्र है, यह नक्षत्र जो है काजल के समान काला दिखाई देता है यह, और शनि नक्षत्र के समान काजल लगाए हुई शनि नक्षत्र के काले रंग के समान काजल लगाई हुई और जिसकी आंखें जो हैं मछली के समान है, मीनाक्षी, नवजौवना मुग्धा, मीनाक्षी मीन की तरह आंखों वाली नवजौवना मुग्धा, और वह शनि के काले रंग के समान काजल लगाई हुई है और बड़े लगन से किसी सुअवसर पर, शादी ब्याह का मामला होगा या मेला ठेला का मामला होगा, ऐसा ही किसी पर्व त्योहार का मामला होगा, जब दोनों को आमने सामने होने का सुदिन प्राप्त हुआ होगा, सुअवसर प्राप्त हुआ होगा, तो उस शनि के समान काले रंग का काजल लगाई हुई और मीन के समान, मछली के समान सुंदर आँखों वाली नवजौवना मुग्धा स्त्री जब लगन से, ध्यान से एक टक पलक झपकाए बिना नायक को
किसी सुअवसर पर देखती है और उसके हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो सखी नायक से कहती है कि वह तो तुमको अपना हृदय हार चुकी है, तुम उसके हृदय को जीत चुके हो, तो तुम क्यों नहीं राजा के समान सब देह सहित उसका सुंदर शरीर रूपी साम्राज्य पाकर उसका उपभोग करो। तो नायक को नायिका से मिलने की प्रेरणा देती है दूति, सखी जो है प्रेरणा देती है और प्रेम को आगे बढ़ाने की चेष्टा के लिए यह वचन कहती है। और वही सखी जब नायिका से कहे कि तुमने इतने अच्छे रूप सौंदर्य से उसका हृदय जीत लिया है, तुम उसके हृदय की साम्राज्ञी बन चुकी हो, तो तुम क्यों नहीं उसके सभी अंगों सहित सुंदर साम्राज्य को पाकर राजा के समान उसका उपभोग करो। तो यह जो है इस पांचवें दोहे का अर्थ है। यहाँ यही है कि मीनाक्षी है, उसकी आंखें मछली के समान चंचल हैं, सुंदर हैं, और उन सुंदर चंचल आंखों में वह शनि के काले रंग के समान काजल लगाई हुई है। किसी सुअवसर पर बड़े लगन से नायक को देखती है और नायक के प्रति उसके हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गया है, और प्रतिक्रिया स्वरूप नायक के हृदय में भी नायिका के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया है। तो क्यों नहीं नायक जो है नायिका के सभी अंगों सहित सुंदर देह रूपी साम्राज्य को पाकर राजा के समान उसका उपभोग करे, या फिर नायिका जो है उसी तरह से नायक के सभी अंगों सहित देह रूपी सुंदर साम्राज्य को पाकर राजा की तरह उसका उपभोग करे, यही है। और दोनों ही प्रसंग मैंने बताए हैं और आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।